अब यहाँ नाम दिख रहा है, मैं इसे बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, हमारे दर्शक देख रहे हैं लाइव, ठीक है। पहली बार आप बताएंगे कि आपके दिमाग में कौन सा नाम है। बॉलीवुड के एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, अपने बिहार के ही, उनका ही हम नाम सोचे वाह, पंकज त्रिपाठी जी, थे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है। जी। और वही वही नाम है दोस्तों, देख सकते हैं आप, पंकज त्रिपाठी का नाम। हम खुद मतलब सोच हंसी हमको आ रहा है इसलिए, क्योंकि सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा मैं है। आपको जादू वाला स्कीम दिखाता हूँ कि नोट डबल कैसे किया जाता है। यहाँ 50 आपको दिख रहा होगा, अभी भी 50 दिख रहा होगा, जी इसमें कोई शक नहीं है। और उसको मैं एक और फोल्ड करूँगा, जी एक और फोल्ड कर लगाऊँगा जी मैं, तो अभी भी आपको 50 का नंबर यहाँ नोट और दिख रहा होगा, राइट। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा पलटूंगा, और पलटने के बाद मैं इसको खोलूंगा धीरे से, आप देखेंगे धीरे से खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सौ का नोट आएगा ये बिल्कुल 100 रुपये का नोट में तब्दील हो गया है, और ये जी। मैंने आपको डबल करके दिया है, लीजिए। इसको मैजिक करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। 1 2 3, और ये कलर भी चेंज हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और ये जो कार्ड है लाल पान का कैसे भी हो गया है, राइट। कर लेते हैं यही सब? देखिए इसी का नाम जादू है, बदलना इसको 500 हम बदल दीजिए। 500 में बदल दूँ, बहुत बढ़िया। इसको मैंने लिया, इसको मैंने इस हाथों में रखा, और हम कैमरा ये बिल्कुल गायब हो गया, थैंक यू। 500 हम बदलना नहीं, ज़्यादा लालच करना बड़ी बात है, इसलिए मैंने गायब कर दिया। 500 करता तो आप 2000 फिर डिमांड सही करते। में वही नंबर है। खुद हमें भी ताज्जुब हो रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। इस जो हम इनको 100 रुपये का नोट दिए थे, उसी का सेम नंबर है, पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं, 4 7 8 6 8 5। आप देख सकते हैं कैमरे पर, कैसे कर लेते हैं भैया। इसी को जादू बोलते हैं, इसी का नाम जादू है। नमस्कार दोस्तों, या जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, किसी राजनीति वाला मुद्दा नहीं है या किसी विधायक सांसद का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि हमारे साथ एक मैजिशियन यानी कि जादूगर बैठे हुए हैं। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे और स्कूल जाते थे, तो स्कूल में भी उस वक्त जादूगर आते थे और अपना जादू दिखाते थे, और हम लोग खूब ताली बजाते थे। हम लोग छोटे बच्चे थे, और किसी भी प्रकार का जैसे कि ईंट उठाकर और उसको लड्डू बना देना, इन तमाम चीज़ हम लोग देखे हुए थे। लेकिन आज वो सब चीज़ हम ऑन कैमरा देखने वाले हैं कि आखिरकार जादू किस प्रकार से लोग करते हैं। इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए जी, मेरा स्टेज नेम हो गया है जादूगर आर एंजल, और जी। मेरा सर्टिफिकेट नेम है राकेश रोशन। तो सबसे पहले बिना समय जाया करते हुए आप जादू दिखाना शुरू कर दीजिए ओके, सबसे पहले आप जादू देखने के लिए इच्छुक हैं तो जी। मेरे पास एक पर्ची है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इस पे क्वेश्चन मार्क है, और इसमें मैंने कुछ लिख के रखा है, ठीक जी है। इसको हम बाद में देखेंगे, आप ऐसे पकड़ेंगे, परंतु इससे पहले मैं चाहूँगा, आपके पास कोई नोट वगैरह है जी आप मुझे देंगे। मैं बिल्कुल नहीं, अगर देख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं, आप लाइए मुझे। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे कैमरे के सामने, और बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये 100 रुपये का नोट है, जी और मैं इसे 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 कितना में बदल दूँ, कितना आपको 500 में चाहिए? बदल के दिखाइए 500 में, बड़े आप लालची दिखते हैं भाई। जी। अभी ये 100 रुपये का नोट जो है आपको दिख रहा होगा, ये 500 में बदल गया है, दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं ये 500 में बदल चुका है, नहीं दिख रहा है? नहीं 100 रुपये दिख रहा है अच्छा, 100 का 100 ही है, मैं मजाक कर जी। रहा था। अभी हम 500 नहीं बनाएंगे, क्या होता है ना, हर एक नंबर नोट में एक स्पेशल नंबर होता है, राइट। जी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक नंबर है, बहुत सारा नंबर है, जी कितना नंबर है आप माइक में बोलेंगे? मैं चाहूँगा आप माइक में इस पे बोलेंगे, नंबर है आप पढ़ के बताएंगे माइक में फोर सेवन जी। एट सिक्स एट फाइव 4 7 8 6 8 5, और ये नोट आपका है, जी मैंने पहले आपसे नोट लिया है, जी मैंने आपका नोट पहले देखा है जी कभी? ना नहीं देखा नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। उसका मैं नंबर कैसे जान सकता हूँ? नहीं जान सकता हूँ। अब इसको खोल के दिखाएंगे, इस पर्ची में मैंने मैंने नंबर लिख के रखा है, आप देखेंगे, खोल के दिखाएंगे दर्शकों को, एक सेकंड देख सबको रहे। दिखाइए। 4 7 8 6 8 5 दिखाएंगे सही आप? में वही नंबर है। खुद हमें भी ताज्जुब हो रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। इस जो हम इनको 100 रुपये का नोट दिए थे, उसी का सेम नंबर है, पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं, 4 7 8 6 8 5। आप देख सकते हैं कैमरे पर, कैसे कर लेते हैं भैया। इसी को जादू बोलते हैं, इसी का नाम जादू है। अब इसको हम क्या करें? बिल्कुल आप रख सकते हैं, और पूछिए जी। और कोई और जादू करके दिखाइए।
ओके अभी तो अभी कुछ बाबा लोग फेमस है कि आप पहले से ही लिख देते हैं ओके, और उसके बाद लोगों के कहते हैं कि आपका प्रश्न क्या, आपकी समस्या क्या है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा, मैं ऑन कैमरा लिखूँगा। बाबा लोग करते क्या है, वो पैड पे ऐसे छुपा के लिखते हैं और डबल राइटिंग करते हैं बाद में, मतलब क्या लिखते हैं किसी को पता नहीं होता है, राइट। मैं ऑन कैमरा लिखूँगा आपके सामने, और तब मैं इनसे पूछूंगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका नाम क्या हो गया? हिमांशु। हिमांशु जी, किसी भी व्यक्ति का नाम सोचिए किसी भी व्यक्ति का। जो जो आपके मतलब दिमाग में आ रहा है, चलिए कोई भी हो सोचिए सकता है, आपके सोचिए परिवार, रिश्तेदार, सोचिए सेलिब्रिटी, राजनीतिक, कोई भी हो सकता है, सोचिए राइट। सोचिए। और अभी तक आपने मुझे बताया है नहीं बिल्कुल नहीं बताया आपके माइंड में क्या है, किन्हीं को नहीं पता, दर्शक भी हमारे बीच है, किन्हीं को नहीं पता। मैं दर्शकों को दिखा कर लिखने जा रहा हूँ, मैं छुपाने वाला काम नहीं। ठीक। ऑन कैमरा लिख रहे हैं। ये मैंने ऑन कैमरा नाम लिख दिया है, ठीक है। अब आप पहली बार बताएंगे, दर्शक देख रहे हैं घर पे बैठे, क्या नाम आप जी सोच रहे हैं? बॉलीवुड के एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, अपने बिहार के ही, उनका ही हम नाम सोचे वाह, पंकज त्रिपाठी जी, थे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है। जी। और वही वही नाम है दोस्तों, देख सकते हैं आप, पंकज त्रिपाठी का नाम। हम खुद मतलब सोच हंसी हमको आ रहा है इसलिए क्योंकि सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप भी समझ सकते हैं। और वही नाम है भैया, कैसे ये सब मतलब कैसे कर लेते हैं इसी का नाम जादू है, आप? आप इसको कला बोलिए, विज्ञान बोलिए, मनोविज्ञान बोलिए, कुछ तो फिर मतलब है। माइंड मतलब कैसे आप समझ लीजिए, जैसे कि हम जो नाम सोच रहे हैं आप लोग कैसे पहले ही जान लेते हैं? ये तो बता नहीं सकता, बस बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है, आपका एक्सप्रेशन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बोल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी ये चीज़ें। कलाकारी कब से आपके अंदर आया है ये जी? कलाकारी मुझे करते हुए पूरा जोड़ेंगे आप, ओवरऑल तो 17 साल हो गए हैं ऐसे प्रोफेशनली, लगभग 14-15 सालों से मैं कर रहा हूँ। शुरुआत मतलब कितने उम्र से की है? शुरुआत 7वीं क्लास में, आप सोच सकते हैं एक बच्चा 7वीं क्लास में कितने इसका होता होगा, तो लगभग 12 साल। मतलब पहली बार कैसे आपको लगा कि हम जादू कर सकते हैं अब पहली बार लगा नहीं, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे जी? मूर्ति बनाना, स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, राइट। तो जादू में मैंने खेल खेल में लड़कपन में शुरुआत कर दिया और मुझे अच्छा लगा, लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया और प्रोत्साहित किया। कुछ और जादू करके दिखा दीजिए अच्छा एक और जादू करूँगा, जी। आप ताश के पत्ते से वाकिफ हैं? जी ओके, 52 कार्ड्स होते हैं, ताश ओके खेलते हैं हम इसलिए हमको पता है ओके। उसमें दिल वाला होता है वो 13 होता है, तेरह तेरह जी। करके 4 होते हैं जो दर्शक नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किसी भी ताश के पत्ते का मन में सोचना है, चलिए सोच लिए। ओके मेरी तरफ देखेंगे और मैं गेस करूँगा कि आप कौन सा पत्ता सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे देखते पास हैं। एक कार्ड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑन कैमरा में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कार्ड है। और आप पहली बार बताएंगे आपके दिमाग में कौन सा कार्ड है, मैंने चूंकि यहाँ ऑलरेडी दिखा दिया, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया है, बताएंगे। लाल पान के बीबी। लाल पान का बेगम, और ये जो कार्ड है ओ ये चिड़िया का बादशाह है, और आपने बोला लाल पान के बीबी। कोई बात नहीं, आपने कुछ और सोचा, मैंने कुछ और गेस किया, बट इसको मैजिक करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा, 1 2 3, और ये कलर भी चेंज हो गया आप देख पा रहे होंगे, और ये जो कार्ड है लाल पान का बीबी हो गया, राइट। कैसे कर लेते हैं यही सब? देखिए इसी का नाम जादू है। मतलब कैसे आप लोग इतना अच्छा से कर लेते हैं? देख सकते हैं लाल पान का बीवी है इसमें, मतलब पहले से ही आप लोग को पता चल जाता है हर चीज। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। कुछ और थोड़ा जाते जाते एक दो और जादू जो आपको करके अच्छा दिखा दीजिए। चलिए, यहाँ पे मेरे पास है कोई एक नोट दिख रहा होगा 100 रुपए का जो है कि आप ही का नोट है, राइट। जी। इसको फोल्ड करेंगे, एक और बार ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तब तक मैं कुछ और चीज़ें दर्शकों को दिखा रहा हूँ। अपने हाथ से करें। हाँ बिल्कुल अपने हाथ से करेंगे, यहाँ दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ, रबड़ बैंड है जिसको मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये 4 लुक बनेगा आपको, ठीक है। और लोगों को जी दिखाएंगे, आप नोट दिखा देंगे? ऐसे खोल कर नोट दिखाएं नहीं नहीं बंद करके, और एक और बार फोल्ड करेंगे ऐसे। जी, ताकि मजबूती बना रहे। रहिए चलिए फोल्ड कर दिया और ये 4 लूप आपको दिख रहा होगा, पहले वाले लूप पे ऐसे रख लेंगे, इसमें। हाँ इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। चलिए आगे। ध्यान रहे कि छूटना नहीं चाहिए नोट, छूटेगा ट्रिक खराब हो जाएगा, नहीं ठीक है। छूटेगा और कैमरे में दिख रहा होगा, सबको दिखाएंगे, जी।
दिख रहा है हाँ। और ये पहले वाले पे किस पे है? पहले वाले पे। ठीक है, पहले वाले पे जी थोड़ा लूज रखेंगे ढीला। हाँ, 1 2 3 करेंगे, ये सेकंड वाले पे आ जाएगा, दिख रहा है आपको जी। और ये पुनः मैजिक करेंगे, वाले पे चल गया और ये लास्ट पे चला गया, आप चेक कर सकते हैं जी। बिल्कुल, रबर बैंड भी चेक कर सकते हैं और नोट भी, सारा कुछ। चलिए, सब कुछ ठीक है। कोई और एक नोट को बदलने वाला? नोट को बदलने वाला तो नहीं। चलिए, आपकी फरमाइश ज़्यादा हो रही है, मैं एक और मैजिक करूँगा। ठीक है, नोट को तो बदला नहीं जा सकता, कुछ और कर सकते हैं। ये कितने का नोट है? 100 रुपये का। कितना में बदलना है इसको? 500 में बदल दी। 500 में बदल दूँ, बहुत बढ़िया। इसको मैंने लिया, इसको मैंने इस हाथों में रखा और हम कैमरा, ये बिल्कुल गायब हो गया। थैंक यू। 500 में बदलना था? नहीं, ज़्यादा लालच करना बड़ी बात है, इसलिए मैंने गायब कर दिया। 500 करता तो आप 2000 फिर डिमांड करते, इसलिए 100 रुपये मैंने गायब कर दिया इनका। थैंक यू। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ जो भैया जादू दिखा रहे हैं, आगे एक और जादू दिखाने वाले हैं जिसमें नोट को यह बदलेंगे। बिल्कुल, आपकी फरमाइश आई है तो मैं आप ही का नोट इस्तेमाल करना चाहूँगा। एक नोट दीजिए मुझे, कोई सा भी। 50 रुपये का नोट है। चलिए, इन्होंने दिया है 50 रुपये का नोट। बिल्कुल, दोनों साइड आप देखेंगे 50 रुपये है। और दुनिया इन चीज़ों के पीछे भाग रही है कि नोट को डबल कैसे करें, डबल करें, डबल करें। इसके चक्कर में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, बहुत सारा स्कीम चल रहा है, राइट। सो आज दिखाता हूँ मैं आपको जादू वाला स्कीम, दिखाता हूँ कि नोट डबल कैसे किया जाता है। यहाँ 50 आपको दिख रहा होगा, अभी भी 50 दिख रहा होगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको मैं एक और फोल्ड करूँगा जी, एक और फोल्ड कर लगाऊँगा मैं, तो अभी भी आपको 50 का नंबर यहाँ नोट और दिख रहा होगा, राइट। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा पलटूँगा और पलटने के बाद मैं इसको खोलूँगा धीरे से, आप देखेंगे धीरे से खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 100 का नोट आएगा। ये बिल्कुल 100 रुपये का नोट में तब्दील हो गया है और ये मैंने आपको डबल करके दिया, लीजिए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार, अभी से आप जादूगर कहेंगे या फिर माइंड रीडिंग, मतलब आप अपने अनुसार जो भी समझें, लेकिन ऐसा चमत्कार बहुत सारे लोग करते हैं। और आपको हम वो चीज़ भी दिखाएं कि किस प्रकार जादू का कला होता है, जो अब कहीं ना कहीं, पहले जादू का प्रचलन बहुत था लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया, विलुप्त होता जा रहा है। हाँ, पहले हम लोग जैसे देखते थे, हम लोग बचपन में स्कूल में साल में 3-4 जादूगर वाले आते थे जादू दिखाने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ बहुत कम, जादू कला बहुत कम लोग सीख रहे हैं। मुझे लगता है अभाव में भी, या फिर कहाँ से सीखें, उनको सोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आने वाली युवा पीढ़ी को बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, आप जादू के क्षेत्र में आएँ और जादू सीखें और अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।